शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय वैभव। यस आई एम श्रुति, श्रुति महाजन। ओह यस सर ने बताया, प्लीज सिट। थैंक यू। तो क्या लेंगे, चाय कॉफी? चाय। और तक एक चाय लाना प्लीज। एक ही क्यों? मैंने जस्ट कॉफी खत्म की है अभी। ऐसे थोड़ी ना होता है, कंपनी तो देनी पड़ेगी ना। प्लीज। ओके वर्तक, दो चाय प्लीज। थैंक यू। अच्छा तुम कहाँ रुकी हो? होटल में। सोचा पहले काम ज्वाइन कर लूं, फिर देख लूंगी कोई बढ़िया सा घर। तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार था यार, एकदम से प्रूव हो गया। सर बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। यार सो ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। वैसे तुम सॉरी नो इट्स ओके, नो फॉर्मेलिटीज। वैसे हमारे ऑफिस का माहौल बहुत फ्रेंडली है। ओके सो तुम कहाँ रहते हो यहाँ? नियर बाय इंदिरा नगर, एक रेंटल हाउस में रहता हूँ। बहुत अच्छा एरिया है, वेरी पीसफुल। नाइस, सो वहीं कुछ मेले भी देख लो ना, अच्छा सा। पहले सेटल हो जाओ, थोड़ा शहर को जान लो, फिर डिसाइड करना। ओके सो मेरा वर्क स्टेशन कहाँ है? ये फर्स्ट टेस्ट तुम्हारा है, ओके? ऑलराइट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दवे के प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है? सर ने तो बोला था आई थिंक वो 27th है, बट लेट्स सी शायद हम कर पाए उससे पहले। राहुल को बोल के मैं परेशान हो गई, उसने अब तक उनको मेल ही नहीं भेजा। कोई बात नहीं, पूछता हूँ उससे। सो क्या प्लान आफ्टर ऑफिस? नथिंग स्पेशल, बस रूटीन वर्क। रूटीन वर्क? बोर नहीं होते? इफ यू डोंट माइंड मेरे साथ होटल चलो, थोड़ा टाइम पास करते हैं। टाइम पास? ओके चलो। बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। देख रहे हो? हाँ कुछ लोगे। क्या मधुमक्खी की तरह लगा रखा है? बोलो ना क्या पियोगे? जो तुम पियोगे वही मैं भी पी लूंगा। अच्छा पर मैं जितना स्ट्रांग पीती हूँ तुम पी पाओगे? मिस श्रुति महाजन, क्या आपको मेरी कैपेसिटी पे शक है? ओके okay.
कोई भी ऑफिस में देख के तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा ये भी रूप है। क्यों, अच्छा नहीं लगा? लगा ना, बहुत अच्छा। सबका ऐसा रूप होना चाहिए यार। लेकिन सबके अंदर नहीं होते ना। मेरे लाइफ का एक ही फंडा है, मैं जो भी करती हूँ 100% करती हूँ, चाहे वो स्टडी हो 100%, ऑफिस का काम 100%, और एंजॉय भी 100% करती हूँ। अच्छा, सब कुछ? हाँ सब कुछ। और सामने वाले से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ 100%, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, मुझे सामने वाले से भी सब कुछ 100% चाहिए। Me too. अभी 100% में बिलीव करता हूँ। Good. So, हमारे इसी फ्रेंडशिप को हम एक हग से स्टार्ट करते हैं। हग, ये है तुम्हारा 100%? किससे बात कर रहे थे? हाँ, कौन थी? श्रुति, दिख रहा था बाबा, तेरी मॉम थी कॉल पे। अच्छा, क्या कहा मॉम ने? तुम्हारी ही बात हो रही थी। सच्ची? क्या बताया मम्मी को? सब कुछ। बैठो। तुम्हारे बारे में सब कुछ, कि हम एक साथ ही काम करते हैं। वो तो मेरी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी, पर मैंने उनको समझा दिया, मुझे तुम पसंद हो और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। अच्छी? हाँ, बहुत खुश हैं वो। पापा के साथ यहाँ आने वाले, बोल रहे थे कि बेटा हमें भी मिलवा देता बहू से, जरा हम भी देख लेते हैं। तो कब आ रहे हैं दोनों? परसों। श्रुति, मम्मी पापा जब तक यहाँ रहेंगे तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। नो ड्रिंक नो स्मोक प्लीज। अब मैं तो कहता हूँ तुम अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाओ, उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आजकल के यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल को उन्हें समझना होगा। वैभव जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम अभी भी उन्हीं सब बातों में। यार जमाने को मारो गोली। मेरे माँ बाप की सोच इतनी डेवलप नहीं है, वो छोटे शहर से हैं। हमारे वहाँ लड़के लड़की को अकेले में बात करते हुए भी देख लेना तो क्या से क्या हो जाता है तुम्हें नहीं पता। लड़की को शॉर्ट ड्रेस पहनाना, ड्रिंक कराना, स्मोक कराना, ये सब देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा बाबा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे पेरेंट्स इतने मॉडर्न नहीं हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे ढकियानों से ख्याल के हैं तुम्हारे माँ बाप, और ये सब तुम्हें पहले से नहीं पता था? मजे लेते वक्त ये सब याद नहीं था? मजे भी लेने और माँ बाप से सब छुपाना भी, हिपोक्रेट। देखो श्रुति, मेरे माँ बाप ऐसे ही हैं, मुझे तुम्हारे साथ बेमतलब की बहस नहीं करनी। पर अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो देख लो अपना। अरे
तुम तो नाराज हो गए। अच्छा सॉरी। अगर ऑफिस में सब लोग नहीं होते तो भगवान जब लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ रहते हैं ना तो वो कोई लिव इन रिलेशन बोलते हैं, ये दोनों भी साथ रहते हैं। तो इसका मतलब वो लड़की हमरी बीबू के साथ यहाँ घर में रहती है? घर में एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे? हाय रे दैया, हे भगवान, हमरा बीबू तो हमरे हाथ से निकल गया शादी से। भाई वाह, चाय तो बहुत अच्छा बना है, कौन बना है? मामा श्रुति ने बनाई है चाय। अच्छा बेटा, पापा क्या काम करते हैं तुम भी? जी वो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा, हमें तो खाना खिला के बहुत शौक है। अब हमरे बीबू की शादी हो जाएगी, हाँ तो हम दोनों यहाँ आ जाएंगे। अब खाना बढ़िया बढ़िया पकाना सीख लो। आंटी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कोई कुक नहीं। और वैसे भी शहर में इन सब कामों के लिए मेड्स होती हैं। शादी के बाद यहीं आ जाएंगे, जैसे घर नहीं सराय हो। एक बार शादी हो जाए तो तीज त्योहार पे ही दर्शन होंगे माते। अच्छा तो मैं ऑफिस चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम भी चलो। मैं आज नहीं जाऊंगा। हमें यही लड़की ना बिल्कुल समझ नहीं आई। माँ क्या समझ में नहीं आई, पहली बार मिल रहे हो उसको, बहुत अच्छी है वो। देखो बेटा, शेर के मुंह लहू और मर्द के मुंह औरत का स्वाद, दोनों फिर सोच की बाधा बन जाते हैं। अब आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं तुम्हारी नजर पड़ चुका हूँ, वो लड़की कुछ ठीक नहीं है। तो निकलो। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी, तनिक एक मिनट। अरे सोन बाद में ही वो पैदा हुई थी ना? हाँ हाँ जी 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 गुरुजी, वो कहा है ना, वो कह रहे थे। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं गुरुजी, ठीक है। अच्छा गुरुजी, हाँ हम अभी बात करते हैं गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। बेबू, गुरुजी कह रहे हैं कि वो लड़की है ना, वो की कुंडली में ना बहुत बड़ा दोष है। माँ मैं कुंडली मुंडली में नहीं मानता। देखो बेटा, बात वो नहीं है, मुझे लोगों की परख है, दुनिया देखी है मैंने। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सॉरी यार, मॉम डैड के साथ बिजी था मैं। बिजी था माँ के पल्लू में घुसे पड़े हो जब से आई है। श्रुति प्लीज। और मेरे बारे में क्या बोले? अबाउट मैरिज बोले वो थोड़ा टाइम। मींस रिजेक्ट। श्रुति श्रुति श्रुति, हर बार एक्सट्रीम रिएक्ट क्यों करती हो यार? थो
थोड़ा टाइम दो उन्हें, वो इतनी जल्दी पुरानी सोच के कैसे बदल जाएंगे यार। ओके ठीक है, मैं रात को बात करता हूँ। देखिए जी, ये जो लड़की है ना, हमारे कोनो काम की नहीं है। अरे इनके साथ रह के ना हमको बहुत बेइज्जती लगेगी। तो कहाँ करें, बुरा तो हमका भी लग रहा है। शर्मलाज नाम की कोनो चीज नहीं है, ना ढंग के कपड़े पहनती है, ऊपर से सर पे बैठ जाती है। देखो जी, हम कल ना वैभव को समझा देंगे कि ये जो दो कोड़े की लड़की है ना, अरे इनके साथ ना हम शादी नहीं करने देंगे। और जहाँ हम शादी फिक्स करेंगे ना, वहाँ उसको करना पड़ेगा। और अब हम दोनों जल्दी से चलते हैं, चलो। चलो। यार ये तुम क्या कर रही हो? क्या पे हो गया? श्रुति, मैंने कहा था ना कि जब तक मॉम डैड यहाँ पर हैं ये सब नहीं करना है। हाँ बोलो। कहा तो तुमने बहुत कुछ था, क्या हुआ? तब से ये लोग आए हैं ना, फिर लाइफ हेल बन गई है। ये मत करो, वो मत करो, पोक्रेट्स कहीं के। यार तुमको बियर पीनी है ना, तो चलो रूम में चलो, वहां जाकर पियो। मैं देता हूं तुमको कंपनी वहां पर। प्रॉमिस? अच्छा प्रॉमिस, चले। बेबी, इफ यू डोंट माइंड, एक बात बोलूं? बोलो। अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारे मॉम डैड ने अभी से ही मुझे भाऊ जैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया। कमाल है ना? क्या कमाल है यार, मैंने तुमको पहले बोला था वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा श्रुति, मैंने तुमको पहले बोला था ना तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम शॉर्ट्स पहन कर के सामने जा रही हो, आज तो हद कर दी तुमने यार। लिविंग रूम में बैठ के तुम ड्रिंक कर रही हो, अगर वो देख लेते तो क्या क्या हो जाता? हार्ट टूट पड़ता। देखो श्रुति, तुम्हें अपने बिहेवियर में चेंजेस करने होंगे वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? मैं क्यों चेंज करूं? तुम जाओ ना, अपने माँ बाप को बोलो मेरे लिए चेंज करने। उनको बस वो फ्रॉड बाबाओं की सुननी है बस। तुम मेरे पेरेंट्स का मजाक उड़ा रही हो? देखो श्रुति, हम मॉडर्न हैं, हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं यार। ये जनरेशन गैप है, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स के साथ मैनेज किया होगा। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो भी हमारे हिसाब से मैनेज करेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है यार, दुनिया मैनेज करने से ही चलती है यार। तुम भी मैनेज करना सीखो यार। ओके रिलैक्स बेबी, आई विल फॉर यू। हाँ उसके पहले लव मी नो बेबी।
घर जेल जैसा लग रहा है, कोई फ्रीडम ही नहीं। चलो ना कहीं चलते हैं। ज्योति हम काम खत्म कर ले पहले। तो प्लीज प्यार करने का बहुत मन हो रहा है, चलो ना कहीं चलते हैं। ज्योति तुम्हें दारू और प्यार के सिवा कुछ सोचता है क्या? काम की बात लग रही है वो नहीं दिख रहा तुम्हें? Excuse me, कहना क्या चाहते तुम? हाँ मैं काम नहीं करती, मैं केयरलेस हूँ। Yes, you are careless. तुम गूफ अप कर सकती हो, मैं नहीं। मेरा करियर है, मेरा प्रमोशन ड्यू पड़ा है, तुम्हें बस प्यार और लड़ाई के सिवा कुछ सूझता है क्या? थक गया हूँ यार। देखो श्रुति, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। रुको। तो तुझसे शादी करने वाला था ना? हाँ यार, पता नहीं यार का जुनून ऐसा सर पे चढ़ा हुआ था ना कि वो जो बोलती वही करता था। लिव इन, शादी, ऑब्सेस्ड है वो, साइको। मम्मी डैडी से आर्गुमेंट किया उसने और वो नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन उसकी मैं साइको वाली हरकतें नोटिस करने लगा यार, और एकदम से पापा की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। पता नहीं मुझसे उसे प्यार नहीं, बस अट्रैक्शन था यार। टोल्ड यू ना, शी इज इम्पॉसिबल यार। नहीं 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 यार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसके साथ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो एक काम कर, ऑफिस छोड़ दे। तो ये सच में उससे पीछे छुड़ाना चाहता है? तो क्या बात कर रहा है, नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? तेरा रिकॉर्ड देख, तेरा रेज्यूम देख कितना अच्छा है। और हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, ये तुझे अपने ऑफिस में खींचना चाहता था ना, तो एक काम कर उससे बात कर ना। फोन लगा अभी। श्रुति कंटिन्यूअसली कॉल कर रही है। कहाँ पे अभी हो? अपने फ्रेंड के वहाँ गई है, लेट आएगी। तो तू एक काम कर, बैग भी पैक कर, फोन स्विच ऑफ कर, मेरे घर पे आ। बाकी काम मैं देख लूंगा, मैं रोहित से बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाय, I'm महक। आप भी इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी। ओके। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस? फ्रेशर। और आप? मैनेजमेंट लेवल। ओह, सॉरी। इट्स ओके। मिस्टर वैभव। या, दैट्स मी। एक्सक्यूज मी। नो इश्यूज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Hashtag first interview posted. Yes, sir, interview? एकदम मस्त। मिस महक अरोड़ा। Best of luck. Thank you. रिजल्ट तो कल अनाउंस होंगे। आई नो। आप तो फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं? का? ओ, तो फिर नेक्स्ट? कहाँ रहती हैं आप? यहीं, धरती पर। नाइस जोक। वैसे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जहांगीर रोड पर रहती हूँ। और आप? 17 मिनट की दूरी पर रहता हूँ। ओ, ग्रेट। If you don't mind, एक एक कॉफी हो जाए? जरूर हो जाए, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? बिल मैं पे करूंगी। तो नहीं, ऑफर मैंने किया है, तो नेक्स्ट कॉफी आपकी। ओह, तो नेक्स्ट कॉफी अभी से डिसाइड हो गई।
हो ना? बहुत टाइम तक बात करेगा। बात करेगा या करेगी? अरे दोस्त है मेरा, दिल्ली में रहता है। घर जाके रात को आराम से बात करूंगा। और बताओ तुम, क्या हॉबीज है तुम्हारी? आई मीन सब लड़के यही सवाल क्यों पूछते हैं मुझे समझ नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि 1980s में हूँ और घूंघट निकाल के चाय लेके अपने रिश्ते के लिए आ रही हूँ शर्माती हुई। बाय द वे, मुझे डांस करना अच्छा लगता है और रील्स बनाना, शॉपिंग और घर के सारे काम करना अच्छा लगता है। Can I see your reels? Live या फिर फोन में? As you wish. वैसे दोनों तो पॉसिबल नहीं है, अभी अभी तो मिले हैं। फ्रेंडशिप थोड़ी सी पुरानी होने देते हैं। वो क्या है ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ के ही छत पे चढ़ना चाहिए। ऐसे यार तुम बहुत फनी हो। हाँ हाँ, आज का एंटरटेनमेंट इतना ही, अब चले। ओके। बैग सामान सब गायब है और मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो तुम? श्रुति, मैं गांव आ गया हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, बात कर रहा हूँ मेरी? वो एडमिट है। बेबी आई एम सॉरी, बहुत परेशान करती हूँ ना तुमको। आई प्रॉमिस अभी नहीं करूंगी, मेरा रहना मुश्किल हो रहा है यार। प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। देखो श्रुति, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है? बाद में बात करेंगे। ठीक, तो कल कल बात करें। I love you. बोलू? एक क्या, कई बात बोलो। मैंने तो टाइम ले लिया, अब चाहो तो तुम ले लो। टाइम ले लूं? मैं कुछ समझी नहीं। महक, आई लव यू। वैभव, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? आई मीन हम लोग जस्ट अभी अभी तो मिले हैं। तभी तो बोल रहा हूँ टाइम ले लो, मुझे समझने के लिए। वैभव ऐसा कुछ नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, जब ऐसा कुछ फील होगा तो देख लेंगे। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या? मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था और वो साइको थी। वो पहले से साइको थी या तुमसे मिलके हो गई? अरे यार, उस दिन उसी का कॉल था ना? हाँ। वैभव, तो तुमने झूठ क्यों बोला? देखो, रिलेशनशिप में ना झूठ बोलना गलत बात है। खैर, फिर? यार वो कने का फंदा बन गई थी वो। I can understand. कुछ रिलेशनशिप्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, पर थैंक गॉड कि तुमने ऐसे रिलेशनशिप से छुटकारा पा लिया। तभी तो बोल रहा हूँ, यू टेक योर टाइम, वी आर फ्रेंड्स और लाइफ है, जस्ट चिल, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचते।
खैर छोड़ो ये सब, कहीं घूमने चले चले। इसने मुझे व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया, आप समझे इसने मुझे सब जगह से ब्लॉक क्यों किया, मुझे तो करेगा। मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं जी रहा, नहीं जी रहा। क्यों रो रही है पागल, तू मत रो, तेरी गलती नहीं है, तूने कुछ भी नहीं किया, तूने तो वैभव से प्यार किया ना, वैभव ने तुझे धोखा दिया। तू मत रो, तू क्यों मरेगी, अब शुरू होगा खेल, ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी, खेल बिगाड़ दूंगी। क्या ब्लॉक करेगा वैभव, मैंने तुझे एवी से और अपनी जिंदगी से दोनों से ब्लॉक कर दी। Hayra.
हाय मायरा। हाय, कैसी हो? मैं एकदम मस्त, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक, बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। अरे अच्छा किया, आज वैभव भी अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे तो मैं भी बोर हो रही थी। अच्छा, तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ? अरे वीडियो कॉल क्यों, तुम घर ही आ जाओ, इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। ना, पहले वीडियो कॉल करती हूँ फिर आती हूँ। ठीक है। हाय, अपना घर तो दिखा। हाँ, वाव यार, ब्यूटीफुल हाउस। पक्का ना मैं आ सकती हूँ? आई मीन तुम्हारा वैभव माइंड तो नहीं करेगा? अरे पागल हो क्या, वैभव ऐसे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बहुत सफर किया अपनी लाइफ में, उनकी एक्स ना एकदम पागल थी। आई डोंट नो, मैं तुमसे ये सब क्या कह रही हूँ, मुझे ये सब तुमसे नहीं कहना चाहिए। I'm so sorry. लो, हम फ्रेंड्स हैं ना, इतना तो शेयर करना बनता ही है। तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो ना, मैं अभी आती हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, मैं तुम्हें अपना लोकेशन अभी भेजती हूँ। बाय बाय। हाय मायरा, आओ। हाय, वेलकम। थैंक यू। और मायरा कैसी हो तुम? मायरा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो मेरा वो स्कूटी का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया था तो पेट्रोल पंप से ले लिया। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है, रुको ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ स्पेशल बातें करनी है। वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है। स्पेशल बातें करनी है, वक्त कम है, मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओ। वैभव कहाँ है? मैंने बताया तो था तुम्हें, और तुम ये कैसे टोन में बात कर रही हो? कॉल लगाओ उसे, उसे बोलो दौड़ कर यहाँ पे आए। मारा ये क्या कर रही हो तुम? मारा ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? महक, पागल हो गई हूँ, पहले ठीक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ को आग लग गई है। ये सब क्या कर रही हो तुम? श्रुति, श्रुति नाम है मेरा। मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था, साइको थी वो। श्रुति, मायरा इज माय फेक नेम। ओनली फॉर यू डार्लिंग। एक रिलेशनशिप में सिर्फ दो लोग रह सकते, वैभव और मैं। शायद तुम और वैभव, अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकी तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। कॉल लगा। मैं वैभव को हरगिज कॉल नहीं करूंगी। नहीं लगाएगी? नहीं। ठीक है।
क्या कर रही हो तुम? कॉल लगाओ उसे। शादी प्लीज मुझे जाने दो। क्या कर रही हो तुम? श्रुति भी, श्रुति भी। फोन कहाँ है तेरा? सादा होशियारी की ना, बता। श्रुति तो कॉल लगाओ उसे। हाँ जान, कैसी हो? प्लीज आप अभी घर आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ आ जाऊंगा। नहीं आप अभी आओ प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, नहीं लग रहा, आप जल्दी घर आ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके। उसने तेरी वजह से मुझे धोखा दिया। जब से तू उसकी लाइफ में आई है इग्नोर करने लगा वो मुझे। तेरे इस खूबसूरत चेहरे पर मरता है ना वो। अब देख, तेरे इस खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बनाती श्रुति। तुम यहाँ क्यों? शौक लगा मुझे यहाँ देखकर। मैं कहा, दरवाजा खोलो, मैं कहा। वैभव, वैभव, प्लीज मुझे बचा लो वैभव। मैं श्रुति, प्लीज उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो उसको? हाँ, उसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया ना। इसे तुम्हारे सामने उसे तड़पा तड़पा के मारती हूँ मैं। कुछ मत कहना, बस मैं बता रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लो। श्रुति नहीं, श्रुति उसको कुछ मत कहना, प्लीज छोड़ दो उसको। कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। उसको तो उसके किए की सजा मिलेगी मिस्टर सिन्हा, पर इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। एक रिश्ते से बाहर निकले नहीं कि दूसरे रिश्ते में कूद गए। दो नाव में पैर रखने वाले के जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं मिस्टर वैभव। छुती जैसी लड़की कितनी खतरनाक हो सकती है तुम पहले से जानते थे। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं की जान गई, पर खैर इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार महक भी है। हर बात हर चीज सोशल मीडिया पे अपलोड करना बहुत घातक हो सकता है। सावधानी और समझदारी बहुत जरूर होती है मिस्टर वैभव। श्रुति को तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, बट सावधानी से ये खतरा टाला जा सकता था।